नमस्कार, आप सभी को प्यार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए शॉर्ट्स वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि अरविंद अरोड़ा सर बनाते हैं। तो अरविंद अरोड़ा सर के जैसे शॉर्ट्स वीडियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए किस तरीके से बना सकते हैं। बात करेंगे पूरी रिक्वायरमेंट के बारे में, क्या क्या लगेगा, इमेजेस कहाँ से आएंगी, वीडियोज़ कहाँ से आएंगे और किस तरीके से वीडियो एडिट होगा। इस वीडियो में हम आपको एक वीडियो एडिट करके भी दिखाएंगे, जिससे आप अपने लिए सीख सकते हैं कि वाकई में वीडियो एडिट कैसे होते हैं। तो मेरा नाम है सत्यम, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बने वो घंटी वाले निशान को दबा दीजिए, ताकि जब मैं नई वीडियो लेके आऊँ तो आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट्स बनाने की प्रक्रिया को। शॉर्ट्स बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो पहले हम जान लेते हैं। शॉर्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा इमेजेस लगेगा और कुछ लगेंगी हमें वीडियोज़। अब इमेजेस और वीडियोज़ के लिए मैं वेबसाइट का नाम आगे बताने वाला हूँ, लेकिन पहले बात करते हैं कि हमारा कॉन्टेंट क्या है। सबसे पहले आपके पास जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको इमेजेस और वीडियो सर्च करने पड़ेंगे। दूसरा रिक्वायरमेंट आपको होगा एक एडिटर का, इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं काइनमास्टर ऐप का। तो आपको वीडियो और फुटेज के लिए दो ऐसी वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आपको काफ़ी अच्छे वीडियोस और फुटेज मिल पाएंगे, वो भी रॉयल्टी फ्री। तो एक है pixabay.com, जो मेरी बेस्ट वेबसाइट है, जहाँ से आपको सबसे अच्छे वीडियोज और फ़ोटो मिलते हैं। दूसरा है पिक्सल्स, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आपको नाम चाहिए उनका तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आपको फ्री रॉयल्टी फ्री इमेजेस के नाम चाहिए, तो मैं उनमें कई सारी वेबसाइट पे एक आपको शॉर्ट वीडियो दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक छोटे से वीडियो को बना के देखते हैं कि किस तरीके से अरविंद अरोड़ा सर के वीडियो बनते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के एडिटिंग पार्ट में। सो गाइस, क्या आपको पता है काशी को एक और नामों से भी जाना जाता है? तो चलिए मैं बताता हूँ, काशी को प्रकाश नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश ज्योति शिव को कहते हैं। काशी को अविमुक्त कहा गया है, क्योंकि अर्थात भगवान शिव कभी भी काशी को छोड़ के नहीं गए, इसीलिए काशी को आनंदवन और रुद्रवास भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो अब हम एडिटिंग के पार्ट पे आ गए हैं, अब वीडियो को एडिट करना शुरू करते हैं। प्लस के आइकन पे 1:1 का रेशो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम उस मीडिया को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड है। मीडिया में मैंने अपने कंटेंट से रिलेटेड मीडिया को यहाँ से, अगर आपके पास इमेजेस वीडियोस भी हैं तो उनको भी ले सकते हैं, उसको सबसे पहले आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका कंटेंट ऐड हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, बैकग्राउंड जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद लेयर के ऑप्शन पे मीडिया पे ओपन, और ये अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ये ध्यान देना है कि आप अपना जो वीडियो शूट करेंगे, जैसा फेस कैम का वीडियो शूट करेंगे, वो ग्रीन स्क्रीन पे शूट होना चाहिए। आप इसको ग्रीन स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से शूट कर लेंगे, ये देखिए, ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ वीडियो है। उसके बाद अब इसका हम क्रोमा की जो है उसको इनेबल कर देंगे। क्रोमा की इनेबल करने के बाद इसको हम एडजस्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। आपकी क्रोमा की एडजस्ट होने के बाद आपका वीडियो जो है इस तरीके से दिखने लगेगा। इसके बाद आप इसमें इंस्टाग्राम का जो ये है, अगर आप अपना इंस्टाग्राम का लगाना चाहते हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम का भी
आईडीज़ में लगा सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम का आईडी बना के रखना पड़ेगा, एक इमेजेस पे या फिर किसी पर्टिकुलर पीएनजी में। इस पीएनजी को आप ऐड करके यहाँ पर रख दीजिए और इसको फुल स्क्रीन जहाँ तक आपका वीडियो है वहाँ तक इसको रख दीजिए। कुछ इस तरीके से आप देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपका शॉर्ट्स वीडियो जो है वो एडिट हो चुका है। अब आपको इसमें एडिट का अगर और भी इफ़ेक्ट्स डालने हैं या फिर ट्रांजिशन डालना है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको डाल सकते हैं। बाद में इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए और आपका वीडियो बनके रेडी हो जाता है। गाइस, इस वीडियो से आपका हेल्प हुआ रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।